साधारण निर्वाचन जेतिक पाखे आसुच्छे विभिन्न निर्वाचन मंडल में राजनैतिक समीकरण से गोलिया होबार लगी विशेषकर शासक दल ने कहार टिकेट कटिबो आउ काहाकु टिकेट मिलिबो ताकु ने नेतांको छाती धड़पड़ आउ एसबू भितर दुईट सभार चित्र सत्यवादी राजनीति को नहीं नुआ समीकरण कर तबे प्रथम दृश्य रे आपण देखुं जे पुरी जिला ब्रह्मगिरी दुई दुई थर विधायक निर्वाचित होता संजय दास वर्मा को यही सभा पर जहाँकि आकलन कर सत्यवादी बीजेडी प्रार्थी हेबे कि संजय कारण भुवनेश्वर उपकंठ धौली गोटे गुप्त बैठक कर संजय दास वर्मा सत्यवादी शहे अधिक नेता और कर्मी को नहीं बैठक आयोजन होता उपस्थित थे कणास ब्लक अध्यक्ष स्वामी सुशील राउत सत्यवादी ब्लक पूर्वतन अध्यक्ष तथा महुर पंचायत नोमिनी प्रेमानंद बेहरा बलरामपुर गड़ पंचायत पूर्वतन नोमिनी समेत बीजेडी कर्मी एटि प्रश्न उठू अचानक कहीं सत्यवादी नेता और कर्मी को धरी संजय बैठक कले ब्रह्मगिरी छाड़ी सत्यवादी लड़ापी संजय दास वर्मा को मिली कि ग्रीन सिग्नल सेपटे सत्यवादी विधायक उमा सामंतराय कौन है भी चर्चा आरंभ हो कारण दुई दिन तले कर्मी सम्मेलन करी सत्यवादी निर्वाचन लड़बे बोली कहते उमा एपरिक कर्मी सम्मेलन समय भाव विहोल हो कांदी पकाई जहाँ निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन नहीं संकेत देउथवा कुहा जाउछि 2014 मसीह स्वाधीन प्रार्थी भाव लड़ी सत्यवादी विजयी होते उमा सामंतराय यापर से 2015 बीजेडी में जोग देवा 2019 सत्यवादी बीजेडी टिकेट निर्वाचित होते एवं सत्यवादी छाड़ी उमा के भाग्य परीक्षा करेंगे ताकू ने आकलन आरंभ हो वर्तमान समय साधारण निर्वाचन जेतिक पाखे आसुच्छी विभिन्न निर्वाचन मंडल राजनीतिक समीकरण जो चित्र सामना को आसुच्छी जे केते गोलिया हेबार लगी राजनैतिक समीकरण और दुईट चित्र जहाँ आप देखुंत धौली में संजय दास वर्मा बैठक आउ दुई दिन पूर्व उमा सामंतराय जो कर्मी सम्मेलन दुईट चित्र आम ये आपको देखु कारण जदि वर्तमान समय जहाँ आकलन कर प्रथम जो दृश्य आम आपको देखु पुरी जिला ब्रह्मगिरी जे दुई दुई थर विधायक निर्वाचित होता संजय दास वर्मा जहाँकि सीए भुवनेश्वर उपकंठ धौली में गोटे गुप्त बैठक कर सत्यवादी शहे अधिक नेता कर्मी को लेकिन यही बैठक होता तो सब बड़ प्रश्न सत्यवादी जो नेता कर्मी को लेकिन धौली में संजय दास वर्मा गुप्त बैठक पक्षर रहस्य कौन एवं आउ गोटे पटे भाव विहल हो जाते कर्मी सम्मेलन में उमा सामंतराय कौन सूचौ कौन दर्शाऊ बर्तमान समय।